बाइक भी हम अपनी तोड़ रहे हैं, पेट्रोल भी अपनी फूंक रहे हैं, सारा कुछ अपना कर रहे हैं, उसके बाद में 25 रुपये डिलीवरी है हमारी। पूछने के लिए भी या ऐप के में अगर कोई फॉल्ट है तो ये लोग सही से कंसल्ट नहीं करते। अब मेरे पे फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, मैं इस मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहा इसकी वजह से। The internet startups first opened for business in India, it seemed like this is the most profitable industry to work for. The entire delivery system, which is primary function of the app-based companies, is dependent on army of delivery persons working through day and night. पहले मैं अकाउंटेंट था और अभी कंपनी स्टैक ऑफ है तो सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया है, तो इसी चक्कर में मैंने सोचा क्या करें, तो इसीलिए जोमेटो ज्वाइन कर लिया। पहले क्या काम करते थे? पीओपी का। तो वो छोड़ के आप मतलब 3 महीने से आपने वो काम छोड़ के? जी, जोमेटो पे लगा हूँ। हाँ, तो उसके पीछे वजह क्या है? वो मैम थोड़ा मेरा काम जो रहा कभी लगता था कभी नहीं, हाँ ठेकेदारी वाला काम था, कभी मिल गया तो कर लिए, नहीं है तो फिर वही 10 दिन 15 दिन वेट करो उसके लिए। अब बैठ मतने दिन तो वेट करना आम आदमी के बस की तो बात नहीं है। 8 साल में एचपी कस्टमर केयर के लिए काम भी कर चुका हूँ। अच्छा, लेकिन मतलब उसमें जो सैलरी इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम होता है ना, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। अच्छा, क्योंकि मैं जितना काम करता था उतना सैलरी मिलता नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमारे बॉस की बातें सुनो। Thousands of active workers, predominantly men, have joined the app-based delivery companies. From young students in need of supplementary cash to middle-aged workers with families, workers have signed up as they feel that the flexible system suits their need. Hamara jo earning hai, like wo humko koi salary nahi dete hai, wo pura wo log bolte hai ki isko effort-based payout. तो मतलब इसका ये है कि हम जितना मेहनत करेंगे हमारी आमदनी उतनी होगी। अपने ऊपर है, अपनी बजी भाई तो ऐसा है कि 12 घंटा भी कर लेते हैं, 16 घंटा भी कर लेते हैं। जैसे कि शुक्रवार शनिवार संडे हुआ तो इसमें 16-16 घंटे करते हैं। 16-16 घंटे भी जी 16-16 काम करेंगे तो हमको 2100 या 2200 रुपये मेरे पर डे का बन जाते हैं। वीकडेज़ का अलग रहता है, वीकेंड का टारगेट अलग रहता है, तो उसमें 11, 15, 18 ऐसे ऑर्डर मारने पे वो अलग इंसेंटिव रहता है। जब आप टारगेट जितना अचीव करोगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। और इनके पास अलग अलग इंसेंटिव भी होता है, लो जोन, हाई जोन, मीडियम जोन के मुताबिक। अब जैसे मैं जोन में काम कर रहा हूँ, वहाँ मुझे 200 रुपये इंसेंटिव मिलता है। पहले वो 600 रुपये था, अभी उन्होंने बढ़ा के उसको 900 रुपये कर दिया है। तो फिर लाइक एक ऑर्डर पर मुझे वो लोग है ना डिस्टेंस और टाइम को इसको हिसाब से हमको पैसा देते हैं। This is where incentives play a major role in making every worker voluntarily choose to toil well beyond the midnight. Higher earning promises and money-making feature of these companies is the flexibility they provide to workers. के सर्विस है ना, वो थोड़ी सी डेली है, वो काम थोड़ा सा लेट करते हैं। अगर आप अभी फंसे हुए हो, किसी भी ऑर्डर में फंस गए आप, बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है ना, वो एक आध घंटा निकलने के बाद लगे रहो उसमें, फ़ोन करते रहो, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। The late night incentives and the rainy day incentives are also squeezed to favor those who doing excess work without any consideration of the hazards involved. यानी इसमें दो कैटेगरी है, एक बाईसाइकिल वाला है और एक मोटरसाइकिल वाला है। तो मोटरसाइकिल वाले को दूर दूर भेजते हैं, मतलब 5 किलोमीटर के बाहर भेजते हैं, लेकिन साइकिल वाले को 3 किलोमीटर के अंदर ही भेजते हैं। ऐसे एक ही एरिया में 10-15 रेस्टोरेंट हो गए और जो डिलीवरी लोकेशन है वो उससे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अलग रहेगा, उसको उसके हिसाब से हमको पैसा मिलता है। लेकिन वो जो 5-10 किलोमीटर जब हम थोड़ा शहर के दूर हो जाते तो हमको रिटर्न में एम्प्टी आना पड़ता है, उसका कोई वो लोग वो पैसा नहीं मिलता है, हमको ही पेट्रोल जला कर आना पड़ता है। और ये हमको इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब ऑर्डर मिलता है हमको, वो उस बंदे को मिलता है जो रेस्टोरेंट के सबसे करीब हो। कंटिन्यू आप बाइक पे बैठे हो, हड्डी में दर्द होने लगता है, रीढ़ की हड्डी में, कंटिन्यू बैठे बैठे 14 घंटे बैठे हुए हो। द फॉल सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दिस हैज गिवन देम मेक्स देम फील इन कंट्रोल ऑफ देयर टाइम। वेरी ऑफन वर्कर्स से दे कैन लीव अवे एनी टाइम, सिंपली स्विच ऑफ लाइन। दिस इज वॉट द कंपनी से टू दैट दे आर इनेबलिंग वर्कर्स टू एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ओवर देयर टाइम। The contractual agreements and legal definition of a delivery may vary from country to country and market to market.
जॉब करने से फ़ायदा ये होता है ना आपको, एक मंथली का वो बन जाता है जो कितना आपका एवरेज है, एक्सपेंसेस कितना है आपका घर का, तो सैलरी आ जाता तो उससे मेंटेन हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी। One of the biggest trends we have seen over the last decade is the rise of the gig economy, where instead of full-time employment, organization contract with the independent workers for short-term engagements. ऐसा नहीं है कि वो हमको जैसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया है, चलो छः महीना काम लिया फिर देखा जाएगा कि इसका क्या क्या करना होता है। इसमें तो हमको ये है कि हमको जब ऑर्डर डिलीवर करना है तभी हमसे काम लिया जाता है, कभी कई कई टाइम हमको ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये ऐसे ही वर्क का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑन डिमांड, तो उसके हिसाब से जब उनको ज़रूरत होती है वो तभी हमसे काम लिया जाता है, वरना फिर हमको काफ़ी टाइम ऑर्डर के लिए भी खाली वेट करना पड़ता है या खाली गाड़ी पेट्रोल चलाना पड़ता है। तो इस टाइप ऑफ सर्विसेज में ये इनके लिए बहुत सूटेबल है कि वो हमको सेल्फ एम्प्लॉयड या कॉन्ट्रैक्टर की तरह पोर्ट्रे करें, ना कि ऐसे वर्कर। Initially, when they started, they offered many incentives and perks, and people would tell us that they are earning quite well. So that stimulated more recruitment. So after few months, when they had surplus labor, they started to scrutinize in some way or other, because there is no government control at any level. They can decide whatever they want to pay, whatever they don't pay. And an employee doesn't have social security at any level. At any time of time, they can say go home. Secure नहीं है, secure नहीं है बिल्कुल भी। ना ओला में है ना यहाँ पे। Appointment तो नहीं मिला मैम, बाकी कागजात तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जो कुछ भी है वो सब कुछ इनके ऐप में है। हाँ जी। The traditional benefit model is designed for those regular employee. Organizational policies also favor the employees and not the gig workers. Food delivery apps like Zomato, Swiggy offer jobs to delivery executives. Zomato has 50,000 delivery executives, while Swiggy has over 55,000. However, no reliable data is available on the number of jobs created in gig economy in India. With growing inflation and increasing cost of living, the minimum wage required to run a family of four and give them a basic standard of life needs to be tens of thousand rupees. Workers and trade unions have been demanding a minimum of 18,000 rupees per month. Some company also facilitated migration. You know, I mean, they say the target, especially the rural migrants, and they have again facilitated. They say that if you don't have a bike, you don't have accommodation, no problem, you just come to the city, we'll provide you work. For 2 months, they provided them accommodation, and you have a lot of rental bike agencies coming up, so they have some understanding with them, so you can rent a bike for 3,000, 4,000 for a month, and you know, I mean, and then you can start working. So I mean, you know, I mean, now they're also getting women into the workforce, even to get delivery. I mean, of course, they have been safety conscious, but I guess slowly the numbers are on rise. In a country with so many informal jobs, gig jobs add a new kind of informality which makes the existing challenge harder to solve. Workers opt for app-based companies sometimes as supplementary source of income, but mostly because they cannot get regular salaried jobs. Lack of opportunity is pushing people to take up such jobs in India. Unlike app-based taxi companies, Zomato and Uber Eats provide medical insurance. Is that what they claim? Nearby medical में जा सकते हैं आप, करवा सकते हैं, कोई उसका charges नहीं, free of cost है। हाँ, आपका card बना हुआ है। App पे ही होता है वो। आप जाइए वहाँ पे दिखाइए और आपका free of cost होगा। But the ground reality is just the other side of the coin. मेरे हस्बैंड की 2 महीने आज तीन महीने हो जाएंगे, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और क्या कहते हैं, मेरी मदद भी नहीं कर रहा कोई। मेरे 2 महीने से मुझे भगा रहे हैं कि फॉर्म लेकर आओ, ये कागज लेकर आओ, वो कागज, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट हैं मैम, ये देखो, कह रहे ये प्रूफ लेकर आओ, वो प्रूफ, अपने इस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड के टिकट विकट वगैरह सब ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे ख़त्म हुए, घर पे ड्यूटी करके जा रहे थे, अभी तक मेरे कोई डॉक्यूमेंट कोई जमा भी नहीं करे। मैं 2 महीने से इतने दिन से परेशान होकर 2-3 बार भाग के आई हूँ यहाँ पर, अभी तक मेरा एक छोटा बेटा है, मेरी कोई मदद नहीं हो रही।
after long and vicious struggles by the workers that even caused them to lose their lives. The working class won the right to an 8-hour workday and even more longer fights to won them to right to a minimum living wage. Thank you.